सब्सक्राइब कीजिए काइन टेक्निक के न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरा नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुद्दर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काइन टेक्निक के न्यूज पर। और आज मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं कि अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में लैन पोर्ट खराब हो जाता है तो आप नेट कैसे यूज करना है भाई, तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा लैन पोर्ट खराब होने से। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि लैन पोर्ट किसको कहते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। ये मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप का लैन पोर्ट ए है, लैन पोर्ट अच्छी तरह से आप देख सकते हो। और डेस्कटॉप का लैन पोर्ट आप पिक्चर में, यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर में देख सकते हो अच्छी तरह से। ये लैन पोर्ट नेट के लिए यूज होता है, तो ये लैन पोर्ट खराब हो जाता है कंप्यूटर या डेस्कटॉप में, ये लैन पोर्ट आपका खराब हो गया तो इस लैन पोर्ट में आपको ये वाला वायर इनपुट करना है नेट के लिए। तो वायर मैं दिखाते हूँ, पहले तो सब कुछ ले आया, ये वायर, इस वायर को इसको RJ46 बोलते हैं और इसको आपको इस लैन पोर्ट में पुट करना है नेट के लिए। तो अगर आपका पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये खराब हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको मदरबोर्ड चेंज करना है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सो आपको क्या करना चाहिए, तो आप तीनों चीज कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से, ये तीनों चीज आप यूज कर सकते हो, इस तीनों चीज अच्छी तरह से देखो, ये तीनों चीज आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास राउटर है तो आप मिनी यूएसबी एडाप्टर, मिनी यूएसबी एडाप्टर आप यूज कर सकते हो, वाईफाई एडाप्टर, यूएसबी वाईफाई एडाप्टर आप यूज कर सकते हो। और ये अच्छी तरह से देख के लेना, परचेस करना पहले, वो 600 MB यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से आप देख सकते हो, तो 600 MB यहाँ पर देख के लेना, नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। तो ये अगर आपके पास राउटर नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हो, PCI एडन कार्ड, ये डेस्कटॉप में यूज होता है और वीएस मदरबोर्ड में वीएस होता है ये। तो अच्छी तरह से मदरबोर्ड को देख के लेना, ये सिर्फ डेस्कटॉप में यूज होता है, वो है PCI कार्ड। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, तो ये है क्या है, इथरनल एडाप्टर, तो ये यूएसबी इथरनल एडाप्टर और इसको आप डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों पे भी यूज कर सकते हो। तो आप, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो ये कैसे यूज करता है डेस्कटॉप। तो आइए शुरू करते, देखते कैसे यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता, तो कोई गलत हुआ तो माफ कर देना दोस्त, सिर्फ आपके लिए मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। विद इन 2 and 3 months आई प्रॉमिस दैट इट विल बी क्योर, टोटली क्योर। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक PCI कार्ड और ये एडाप्टर कैसे यूज करना है। ये मेरा डेस्कटॉप है, तो इस डेस्कटॉप में मैं केबल अंदर इंपोर्ट कर दिया, तो देखते हैं नेट चल रहा है कि नहीं। अभी तक नेट नहीं चल रहा है क्योंकि सिंबल यहाँ पर से जो सिंबल है, इस सिंबल में क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है, तो नेट नहीं चल रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, नेट नहीं चल रहा है तो मैं अभी ये PCI कार्ड यूज करने वाला हूँ। तो PCI कार्ड अभी मैं यूज करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से, ये PCI कार्ड है और यहाँ पर अच्छी तरह से ये लैन पोर्ट है। तो अच्छी तरह से देखो, ये PCI कार्ड है, मुझे इस PCI स्लॉट, मदरबोर्ड में PCI स्लॉट और व्हाइट वाला स्लॉट, ये PCI स्लॉट, इस PCI स्लॉट में मुझे इनपुट करना है, मदरबोर्ड में PCI स्लॉट में मुझे इनपुट करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप ऐसा मत करना, आप कंप्यूटर ऑफ कर लेना पहले, उसके बाद ही उसको इनपुट करना PCI स्लॉट, क्योंकि इसके पास बहुत सारा नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो कंप्यूटर ऑन होने के बाद भी वो इनपुट किया यहाँ पर डेस्कटॉप में। तो आप पहले डेस्कटॉप को ऑफ कर लेना, उसके बाद ही इनपुट करना PCI
ये कार्ड को इनपुट करना डेस्कटॉप। अभी पहले देख लो कि लाइट आ रहा है कि नहीं, नेट चल रहा है कि नहीं, पहले चेक करना है यार नेट चल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं पहले नेट चला कर, नेट हाँ चल रहा है, लाइट शो कर रहा है। अब देख सकते हो अच्छी तरह से लाइट शो कर रहा है, यहाँ पर लाइट शो कर रहा है, तो ठीक है आप देख सकते हो। तो और नाट को मैं अच्छी तरह से लगा देता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो दो तीन महीने में वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला कोई बात नहीं। विदिन टू एंड थ्री मंथ इट विल टोटली क्योर एंड नाउ यू कैन सी प्रॉपरली। एंड अभी मुझे रीस्टार्ट करना है मशीन को, तो रीस्टार्ट मैंने कर दिया रीस्टार्ट, और ठीक है हो रहा है रीस्टार्ट। अभी हो गया रीस्टार्ट, तो देखते हैं वो इसमें PCI कार्ड में लैन केबल को इनपुट कर दिया, तो लाइट जल रहा है आप देख सकते हो अच्छे तरह से, लाइट आ गया तो नेट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला कोई बात नहीं। आप अभी देख सकते हो नेट क्रॉस था वहाँ पर तो क्रॉस हट गया, तो अभी नेट चल रहा है अच्छी तरह से देख सकते हो। अभी नेट नहीं आया तो आ जाए, हाँ टोटली क्लीन हो गया, वो क्रॉस वाला सिंबल था यहाँ पर टोटली क्लीन हो गया, तो नेट अभी चल रहा है। इसी तरह से आप PCIe कार्ड से आप नेट चला सकते हो, तो ये हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग होता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ तो इस इंटरनेट इस एडाप्टर इथेनॉल एडाप्टर में आप कैसे काम कर सकते हो इस इथेनॉल एडाप्टर से। तो पहले यहाँ पर एक कैसेट मिलता है आपको, ये कैसेट इस कैसेट को पहले इंस्टॉल करना है। शेयरोटर में एक लैन पोर्ट है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो ये USB में इंपोर्ट होगा, आप यूज कर सकते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप यूज कर सकते हो अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर खोल देता हूँ, तो ये इंपोर्ट कर देता हूँ USB में। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे केबल जो है होता है वो केबल मुझे केबल में इंपोर्ट कर दिया, तो अभी देखते हैं क्या होता है। लाइट आ गया थोड़ा सा, तो अभी कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर यस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वाज नॉट सक्सेसफुल इंस्टॉल, तो ऐसे नाउ मुझे ये कैसेट इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसेट इंस्टॉल करना है राइटर से कैसेट इंस्टॉल, तो देखते हैं। यहाँ पर राइटर नहीं चल रहा है भाई, तो मैं एक्सटर्नल डिवाइडर ले लिया, मैं मेरा एक्सटर्नल डिवाइडर से वो उसको इंस्टॉल करना है, तो देखते हैं उसको। USB में इंपोर्ट करना होगा, तो USB मैं कीबोर्ड को खोल देता हूँ पहले, ठीक है कीबोर्ड नहीं चाहिए, ठीक है यहाँ पर कैसेट को इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हो मुझे अभी इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 हो तो विंडोज 7 ले लेना अच्छी तरह से, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या है, विंडोज 7 8 और 10 क्या कुछ है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद सेटअप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेटअप मिल जाएगा। अब अच्छी तरह से देख सकते हो सेटअप, अभी ड्राइवर
सेटअप से मानो ठीक है सेटअप से ले लिया मैंने ऐसे करके आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिनिश करने के बाद वो रीस्टार्ट करना होगा फिर से रीस्टार्ट करना होगा मुझे मशीन तो रीस्टार्ट करते और रीस्टार्ट कर दिया अभी आप देख सकते हो अच्छी तरह से वो सर्च कर रहे नेट है कि नहीं सर्च कर रहे Now it is searching and yes now it is and now आप देख सकते हो यहाँ पर नेट आ गया कोई क्रॉस नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है तो आप नेट कर सकते हो अच्छी तरह से तो मैं दिखा देता हूँ हाँ यहाँ पर इसमें है एडाप्टर में है यूएसबी एडाप्टर में ये डेस्कटॉप या लैपटॉप आप यूज कर सकते हो डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आप देख सकते हो नेट चल रहा है अभी तो आप मैं नेट ने पेज खोल के दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से आपको मालूम चलेगा हाँ ठीक है मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया क्रोम को तो देखते हैं यूट्यूब चलता है देखते हैं यूट्यूब चलता है कि नहीं हाँ ये यूट्यूब चल रहा है ये मेरा ही वीडियो है अगर मेरा चैनल कांटेक्ट नहीं उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो भाई सर आपके लिए मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया सब्सक्राइब बटन अभी रेड है तो उसको इसे उसको प्रेस कर दो ये कस्टमर का मशीन है इसलिए मैंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है चलते तो हेलो फ्रेंड्स आज तुम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप या डेस्कटॉप में लैंड पुट खराब हो जाता है तो ये तीनों चीजों आप यूज कर सकते हो आपका मदरबोर्ड चेंज करने का कोई जरूरत नहीं आप पीसीआई कार्ड और एडाप्टर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास राउटर है तो वाईफाई एडाप्टर लेने से सब कुछ काम करेगा और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना तो ये सब कुछ जान सकता है अच्छी तरह से तो अगर मेरा चैनल कांटेक्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन रेड है जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दो अच्छी अच्छी न्यूज आपको देखने को मिलेगा इस कांटेक्ट न्यूज चैनल अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपका सवाल बता सकते हो तो ठीक है आज चलते हैं यही आज यही पर ओके टेक केयर गुड बाय एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन टेल